टू इनकम चैनल। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आपका न्यू ईयर कैसे गया बताएंगे? इट वाज सुपर, इट वाज अमेजिंग। आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई लव्ड माय न्यू ईयर एंड आई जस्ट होप कि ऐसे ही हर दिन बीतता जाए जैसा मेरा न्यू ईयर गया। ये सबका प्यार है, थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे BTS में काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बिकॉज राइटर जब तक लिखेगा नहीं हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो आई गेस क्रेडिट गोज टू द राइटर एंड द होल प्रोडक्शन जो इतना अच्छा उसे बनाते हैं, और थोड़ा बहुत मैं उसके अंदर अपना जी जान 100% फोकस से डाल देता हूँ। सो कहीं ना कहीं ये वर्कआउट हो जाता है, बट फिर भी होता ही है कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती नहीं हो सकती है, बट लकीली आई गेस इस केस के अंदर बाला वर्कआउट हो जाता है। सो आई एम सो हैप्पी एंड या आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट दिस। वर्कआउट से याद आया कि आज का जो सीन है, जो आज जो तो शालिन का और अमित का सीन था, जिम्स टीम का कंपटीशन था जिसमें आपकी एंट्री हो जाती है, तो उसके बारे में बताएंगे? एंट्री नहीं हो जाती है, फजीती हो जाती है, बिकॉज रोप क्लाइंब करना था, मुझे आता नहीं है और गिर जाता हूँ, लग जाती है उसके अंदर। शालीन सर कहते हैं कि सॉरी करण सर कहते हैं कि ग्रिप पकड़ ग्रिप पकड़, सो वैसा होता है बट मेरे से हो नहीं पाता और मैं ऊपर से नीचे धड़ाम गिर जाता हूँ। या फिटनेस की बात किया जाए तो आजकल सब फिटनेस के इस पे चल रहे हैं, तो आप कितना फॉलोअप करते हैं? मैं फेज़ वाइज होता है और करेंटली मेरा फेज़ एक्टिव हो चुका है फिटनेस के लिए। सो मैं वर्कआउट करने लग गया हूँ, डाइट पे ध्यान देने लग गया हूँ, कैलोरीज चेक कर रहा हूँ, स्टेप्स चेक कर रहा हूँ। सो इट्स या अब मैं थोड़ा इस न्यू ऐसा होता है ना हमारे साथ, न्यू रेजोल्यूशन पे हम ये सब चीज़ें चालू कर देते हैं, तो अभी तो 3-4 तारीख है तो अभी मैं तो चालू किया हूँ, लेट्स सी कब तक मैं फॉलो कर पाता हूँ। आई जस्ट प्रे पूरा साल तक मैं फॉलो कर पाऊँ और आप मेरे को दूसरी फिजिक में देखें। बहुत सारे यार, 3-4 स्टोरीज चलने वाली हैं एक साथ, तो काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी एंगेजिंग रहने वाला है। जैसा यू नो एक स्टोरी चल रही, जस्ट आपको लगेगा कि हमने कुछ पकड़ा कुछ समझा, सेकंड स्टोरी चालू हो जाएगी, फिर ऐसे लूप चलेगा और एंड में आपको पता चलेगा ओ ये तो फर्स्ट का था। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना मैं आपको बताऊँगा। सो वो तो आप देखेंगे जिद्दी दिल माने ना 8 बजे सब TV पे, तो आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। सिड भाई जी की और मेरी बॉन्डिंग तो सुपर्ब है यार, मतलब मज़ा आ जाता है। इवन यू वोंट बिलीव, अभी भी हम साथ में थे, आधे घंटे पहले उनका पैकअप हुआ, सो आई वेंट टू सम मॉल विथ हिम एंड वी एंजॉयड अ लॉट। मैं उनको अकेला छोड़ गया कि दैट्स रियली बैड ऑफ मी, बट या मैंने अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें फैजी सर के साथ छोड़ दिया, तो फैजी एंड कुणाल सर सिड जी आर टुगेदर इन अ मॉल, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बट दे आर हैविंग फन आई गेस। या अनीश, किसका देट वॉज रियली नाइस एंड यू नो काफ़ी मसाला था उसके अंदर, और सबसे प्यारी चीज दोनों हमारे अनीश जी एंड करण सर जी दोनों को इतना प्यारा बॉडी दिखाने का मौका मिला, वो मस्त स्लो मोशन के अंदर उन्होंने जैकेट्स उतारे एंड देन बॉडीज पम्प करी हैं, पुशअप्स किए, तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर लड़कियों के लिए बहुत मस्त होने वाला है। सो जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं जस्ट कीप वॉचिंग बिकॉज मोर हॉटनेस इज कमिंग टू सेट। या तो जो भी लोग जिद्दी दिल को सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें इतना प्यार देते हैं, आप हमारी मेहनत को इतना सराहते हैं, और ज़्यादा तो क्या कहूँ, एक्चुअली मैं बयां नहीं कर पाता और शायद मैं ही नहीं, दूसरे जितने भी एक्टर्स हैं वो नहीं बता पाते, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं रहता और इतने सारे मैसेजेस आते हैं और इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, हम पूरे टाइम शूट में बिजी रहते हैं, बट आई एम जेन्युइनली सेइंग कि हमें बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं किसी हर एक को नहीं कर पाता, बट आई रियली फील ब्लेस्ड जब आप मेरे को अलग अलग टैग्स करते हैं, अलग अलग फैन पेजेस बनाते हैं, अलग अलग तरीके से मुझे प्यार देते हैं और हर एक मेंबर को देते हैं, हमारे हर एक कास्ट क्रू को देते हैं। सो आई जस्ट लव इट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस।
थर्ड वेव आ चुका है, मैं खुद बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ, सेट पे इवन सब कॉन्शियस हो गए हैं, तो इंटरव्यू इसलिए मैंने मास्क हटा रखा है, बट आज से ही मैंने फुल मास्क लगाना चालू कर दिया है, डबल मास्क लगा दिया है, N95 ले लीजिए, सेफ रहिए, बहुत सेफ रहिए, घर वालों को भी सेफ रखिए, डांट दीजिए घर वालों को अगर वो आपके नहीं मानते मास्क नहीं लगाते तो। सो या आप खुद को पहले सेफ रखें, सबसे पहले खुद को सेफ रखें, फिर दूसरों का सोचें, तो खुद को सेफ रखें और दूसरों को सेफ रखें। प्रथमेश शर्मा, यू आर वॉचिंग इन टाउन, की वॉचिंग सीधी दिल मानेना, 8 PM ओनली ऑन सब TV।